जपनाम पर यहाँ हम जपनाम नहीं कहते, कुछ और भी कह सकते हैं। बहुत प्यार मिला जी, जरूर। नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है एक एक्टर के लिए इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है, जहाँ ऑडियंस आपको इतना पसंद करे, आपके कैरेक्टर के नाम से आपको जाना जाता है, आपके कैरेक्टर के भावनाओं से आपको जाना जाता है। सो आई थिंक दैट आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट एंड आई थिंक जितना प्यार मुझे ऑडियंस से मिला है उस हिसाब से ही मैं आगे मेरा अपना काम करूँगी एंड आई होप आई गेट सम मोर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड सम यू नो डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइफ। मुझे काफ़ी लोग मतलब पूछ रहे हैं आजकल आपको क्या करना है नेक्स्ट, तो जो हमारे लाइफ में जितने इमोशंस होते हैं ना उसके हिसाब से आई थिंक एवरी इमोशन शुड बी प्लेड, तो मुझे रोमांटिक फिल्में करना बहुत पसंद है, तो शायद मैं वो करने वाली हूँ आगे जाके। सो या बट थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू। Of course, I am here because I love the thriller. Hello, sir. So yeah, I have loved the trailer and I'm very happy that something like that has been you know showcased in India now and this premiere is happening for that. So I'm very excited to see Dhanush sir. I've been a big fan of his work. I would really. I also told him that I always wanted to work with him, but I think yes, I'm very excited to see the screening now. अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब ऑलरेडी दिग्गज लोग हैं जी, धनुष सर की तो ऑफकोर्स आई एम टेलिंग यू आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज वर्क एंड आई थिंक ये मुझे लगता है जितना मैंने इसका जितने पोस्टर्स देखे और जो वाइब है इस क्योंकि मेरा हाला में ही ये एक शो आया था शी नाम का और वो जैसा एक फीलिंग आती है कि ये शो चलेगा या ये फिल्म चलेगी, वैसे मुझे ग्रे मैन का जो प्रमोशन है वो देख के ऐसा लग रहा है कि ये इस फिल्म की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी और आई थिंक इट्स गोइंग टू डू रियली वेल। पार्ट थ्री तो आ चुका, आ गया भाई, देखो यार ये पीछे है, मतलब ये प्लीज फोर अगले साल आएगा और शी का मुझे पता नहीं है, वो इम्तियाज सर से पूछेगा। Oh my God! Thank you so much. Ma'am.